जामनेर नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2018 कोण मारणार बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर दररोज बघा प्रचाराची रणधुमाळी आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी कोण करणार शहरवासियांना राजी कोण मारणार निवडणुकीत बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर बघा रोज कोण मारणार बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर बघा निवडणुकीची बातमी ताजी कोण मारणार नगर परिषदेत बाजी कोण होणार लोकनियुक्त नगर अध्यक्ष कोण कोण होणार नगर सेवक जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर दररोज बघा प्रचाराची रणधुमाळी जगन्नाथ लोखंडे उत्तम पवार सर युवकांचे रुजस्थान अभिषेक पाटील सर्वसन्माननीय स्टेज तालुका अध्यक्ष राजू पाटील कार्याध्यक्ष किशोर पाटील इतर आपल्याला सर्व वडिलांची मंडळी मित्र जामनेर नगरपालिकेच्या उघड्या निवडणुकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार प्राध्यापक सहू अंजनाताई उत्तमराव पवार 12 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आणि 12 काँग्रेसचे आपले उमेदवार या उमेदवारासाठी आपण प्रचारार्थ इथं जमलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांना येणारी ही जी निवडणूक आहे ही या उमेदवार म्हणून आपल्या सर्वांचे एक आत्मीयता प्रश्न निर्माण झालेला आहे कारण मागच्या 2.5 वर्षाचा कारकीर्द आणि गेल्या 30 वर्षाचा आमदारकी आणि त्यानंतर मंत्रीपदाचा कारकीर्द हे सगळा जर अभ्यास केला तर आपण आपल्याला कुठल्या जागेवरून उभं राहिलेलो म्हणजे आपल्याला दिसतंय मोदी साहेबांचं सरकार यायच्या अगोदर मागायच्या संदर्भात या लोकांचे स्टेटमेंट पाहिले आणि आजचं मागायचं चित्र पाहिलं तर आज पेट्रोल डिझेलचे भाव कुठे आहे नोटबंदीचा विषय आतापर्यंत आपण बऱ्याच ऐकला असेल तर त्या नोटबंदीनंतर आपण आपल्या जागेवर खूपपर्यंत खाली आलेलो आहे शेतकऱ्यांना कुठेही न्याय मिळत नाहीये शेतकरी शेतमजुरांना कुठेही न्याय मिळत नाही आणि आज या नगर परिषदेच्या माध्यमातून गेल्या या प्रचाराच्या माध्यमातून एक जाहिरातीच्या माध्यमातून असं सांगितलं जाते की 300 करोड रुपयाचा इथं विकास केला जातोय जामनेर शहरामध्ये आपण पूर्ण प्रचार करत असताना विकासाची व्याख्या यांनी फक्त पेपर माध्यमातून दाखवून दिली आहे पण प्रत्यक्षात आता घरापर्यंत आपल्याला आपल्या गल्लीपर्यंत काय विकास झालेला आहे हे आजपर्यंत कुठल्याही कार्यकर्त्यांनी कुठल्याही आई बहिणीने बावली नावाला सांगितलेले नाहीये की विकास म्हणजे नेमका काय घरापुरते रस्ते बोलून ठेवलेले चाऱ्या बोलून ठेवलेल्या आहेत त्या चाऱ्या बांधलेल्या आहेत त्याचा प्रवाह कोण्या दिशेकडून कोण्या दिशेकडे जातो हे कळत नाहीये 4 फुटाच्या पाईपलाईन मध्ये 4 इंची पाईपाच्या लाईन मधून कसं पाणी जाईल हा प्रश्न आपल्या आई बहिणीला कळतोय पण ह्या कार्यकर्त्यांना नेते मंडळींना कळत नाही की नेमकं चाललं काय कारण चहा विकणाऱ्याला जर आपण चहा पिल्यानंतर ग्लास वापस देतो तसंच चहा विकणाऱ्याला आपण त्याची जागा त्याला दाखवली पाहिजे आपण त्याच्या आता देश चालवायला दिला म्हणून ही दयनीय परिस्थिती आज आपल्याला आलेली आहे आणि हीच परिस्थिती आपल्या शहराची आहे की राज्यकर्त्यांनी राज्यकारभार चालवताना सगळ्या समाजाला सगळ्या जाती धर्माला विश्वासात घेऊन कामकाज करायला पाहिजे ठेकेदार ठेकेदाराच्या पद्धतीने काम करतोय पण खरंच आपल्या आपल्या शहराला न्याय मिळतोय का मागच्या 2.5 वर्षापूर्वी माननीय नगर माजी लोकसभेचे नगर अध्यक्ष पारसभाऊ नरवाणी यांनी जे कामकाज केलं त्या कामकाजाचा ठसा त्यांनी काल आपल्याला भाषणातून सांगितला पण त्यानंतर त्या कामकाज फक्त पेपर मध्ये दिसलं पण प्रत्यक्षात कुठेही दिसलेलं नाहीये आज त्यांच्या जाहिराती जर पाहिल्या तर जाहिरातीच्या वरचा खर्च आणि आपल्या शहराला लागलेला खर्चाचं तुलने आपण जर केलं तर हा जाहिरातीवरचा खर्च जास्त दिसतोय पण प्रत्यक्षात कृतीमध्ये कुठेही काम झालेलं दिसत नाहीये जामनेर शहरामध्ये अशी परिस्थिती दाखवली की 1 महिन्यापूर्वी की आम्ही काम करतो या कामकाजाच्या विरोधात कोणी उभं राहणार नाही जामनेर शहर एक प्रकारे नगरपालिका ही बिनविरोध होण्यासाठी परिस्थिती निर्माण दाखवली होती जामनेर पासून तर महाराष्ट्रातल्या मुंबई मंत्रालयापर्यंत असं चित्र दाखवलं गेलं की इथं फक्त वन मॅन शो आहे पण परिस्थिती जपानी पाहिली या लोकांच्या माध्यमातून
पद्धतीने राज्य पाहिजे त्या पद्धतीने माननीय संजय दादा गरुड, एसटी पाटील, काँग्रेसचे बजरंग आता राजपूत आणि पालनभाऊ लडवाणी आणि इतर सर्व ज्येष्ठ नेत्यांनी हा आग्रह केला, लोकांच्या मानातून काढला, लोकांनी सांगितलं की आम्ही तुमच्या पाठीमागे आहोत तर त्या पद्धतीने या लोकशाही पद्धतीने आपण सामोरे जाऊया. मित्र आहो, प्रत्येक माणूस प्रत्येक कार्यकर्त्याचा उघड्या दारामध्ये आपल्या संघटनेमध्ये प्रत्येक वार्डामध्ये उभा राहिला. प्रयत्न असे होते की शासनाच्या नेत्या पद्धतीने आपण कोर्टात गेलो, कोर्टामध्ये न्याय मिळाला, त्या न्यायामध्ये एक वार्ड जो आपला शांतपणचा वार्ड ते मतदान पुढे लांबलं आणि मत म्हणजे सुद्धा 12 तारखेला झाले, कारण हा न्याय आपल्याला न्याय देवतेने दिलेला आहे. आणि अशा पद्धतीने जर राजकारण करत असेल तर याला जाण्याची जागा दाखवण्यास किती वेळ आलेली आहे, कारण मतदानाचा हक्क हा पैशावाल्याचा हक्क नसून आपल्या सर्वसामान्य जनतेचा हक्क आहे. हक्क दाखवण्याची वेळ आज आपल्या वाढलेली आहे. आज आपल्या या उमेदवाराचं जर पाहिलं तर प्रत्येक उमेदवार एक काळाकाळातला माणूस आहे, प्रत्येक समाजाला इथं न्याय द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. माळी समाज हा गेल्या 45-40 वर्षापासून प्रत्येक संघटनेमध्ये काम करतोय, तो भाजपमध्ये असेल, सेनेमध्ये असेल, काँग्रेसमध्ये असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असेल, पण आज या नगरपालिकेच्या माध्यमातून आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीनं माळी समाजाला न्याय द्यायचा प्रयत्न केला, कारण त्या पद्धतीने हक्क आहे आणि त्यांची लायकी आहे. कारण लायकी म्हणायचं झालं तर ज्या माणसाला राज्य कारभार चालवताना ह्या जामनेर शहरामध्ये प्रत्येक समाजाचा अभ्यास पाहिजे आणि त्यांनी त्या समाजामध्ये समाजकारण केलेलं पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण त्या लायक उमेदवार म्हणून सौ अंजलीताई पवार यांनाही उमेदवारी दिलेली आहे. आले मागणी केले तसं झालेलं नाही तर त्या पदाचे ते लावे त्यांचे दावेदार आहे. लोकशाही पद्धतीने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हे जनतेच्या समोर जाते आणि जनतेच्या समोर जाताना तुम्ही जो विश्वास दाखवला, तुम्ही प्रत्येक वार्डा वार्डामध्ये आम्हाला जे प्रोत्साहन दिलं आणि प्रत्येक कार्यकर्त्यांना हा आम्हाला विश्वास निर्माण झालेला आहे की आपल्या 24 च्या 24 जागा आणि नगराध्यक्षपद आपल्या निवडून आल्याशिवाय राहणार नाही, कारण काल त्या सभा पाहिली तर त्या घरच्यापेक्षा डबल आपले लोक आलेले होते, त्यांचा उत्साह होता. आणि आज जी ती परिस्थिती आहे अशा परिस्थितीनं आज आपल्या नगरपालिकेतून आपल्याला कालची सभा आणि आजच्या सभेचं हे पूर्व नियोजित आपण मागणी केलेली होती की ती आपली सभा आहे. आज आपल्या मान्यवरीच्या भाषणासाठी येणार होते, आम्ही कायदेशीर मागणी केलेली असताना सुद्धा इथे एकाच जागी एकाच वेळेस एकच सभा होत असते, पण अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा शासनाने त्यांना दुसरी परवानगी दिली आणि आपल्या समोरासमोर एक प्रकारे वाद निर्माण करण्याचा हा एक प्रकारचा प्रयत्न आहे. शासनाने कुठेतरी दिशा दाखवली सुद्धा दबाव करता या देश समोर हजारो लोकांनी उभे राहून ती ताकद दाखवली की आम्हाला आमच्या लोकशाही पद्धतीनं या प्रचारसभेला जायचंय, लोकसभेद्वारांना आपल्याला आपल्या लोकशाही पद्धतीनं मतदानाचा हक्क बजावायचे असं मतदार रात्र व्हायची. 2 दिवस आता 2 दिवसावर इलेक्शन आलेले आहे. माननीय लोकनेते अजितदादा यांनी हल्लाबोलच्या सभा चालू असल्यामुळे त्यांनी त्यांच्या आदेशांनी आपल्या सर्वांचे आवडते नेते माननीय धनंजयजी मुंडे साहेब यांची 6 तारखेला उद्या त्यांची सभा ठेवलेली आहे आणि ते संध्याकाळी 6 वाजता आपल्या मार्केट कमिटी बसून आपण रॅली काढून त्यांची पंचायत समिती आपली जिथं हल्लाबोळची सभा झाली तिथं सभा आहे. तर मी सगळ्यांना विनंती करेन की सगळ्यांनी जास्तीत जास्त लोकसंख्येने तिथं या होतोय. 15 वर्षापासून आघाडीचं सरकार होतं पण असं चित्र कधी कुठे दिसलं नाही. तर मी आग्रह विनंती करेन आणि मी या ठिकाणी थांबतो. बरेच लोक आलेले आहेत, त्यांनाही भाषण करायचं आहे, म्हणून आपण आपली सगळ्यांची रजा घेतो. यहाँ पर आए हुए और जो बाहर बैठकर भी सुन रहे हैं भाइयों, जामनेर नगर पालिका के चुनाव के माहौल में और इस चुनाव के दौर में आप सब लोग हर किसी का विचार और हर किसी की बात सुनने के लिए आए कि भाई हमारा उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार के लिए जो भी वक्ता या नेता जो क्या वो बात रखने वाले किस लिए ये सब सुनने के लिए आप हजरा यहाँ पर आए हुए हैं. मैं आप सबका तहे दिल से सबसे पहले स्वागत करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके शुक्रिया अदा करता हूँ. तमाम यहाँ बैठे हुए जो हमारे नेता है जो मालेगांव से भी आए हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. और मैं इसलिए खड़ा हूँ कि भारतीय संविधान में यहाँ का जो भी भारतीय नागरिक है उसको कुछ हक दिए हैं और उसमें चुनाव लड़ना ये भी हक दिया है कि भाई तुम चुनाव लड़ सकते, तुम अपने एरिया का प्रतिनिधित्व कर सकते, अपने लोगों के लिए तुम कुछ बात जो है स्थानीय स्वराज्य संस्था से लेकर तो देश भर के लिए आप रख सकते. इसलिए ये चुनाव जो है वो रखे गए हैं कि लोकशाही तमाम लोगों की जो ख्वाहिश है
वो ख्वाहिश का एक प्रतिनिधि हो, क्या मेरे मोहल्ले में मेरे एरिया में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या असुविधा है क्या सुविधा है, इस बात के लिए क्या नगर पालिका का जो नगर सेवक जाएगा वो वहां पर रखेगा, जो जिला परिषद में जाएगा वो जिला परिषद में रखेगा, और जो आमदार बन के जाएगा वो बम्बई में रखेगा, और जो खासदार बन के जाएगा वो दिल्ली में रखेगा। ये एक ढांचा बनाएगा और इससे अपने को चलना है। लेकिन कुछ लोग इस बात को ये बदलने का चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं चाहिए, इसमें कुछ तो बदलाव चाहिए, क्यों चाहिए। अब इसका एक उदाहरण आपको देता हूं कि जो लोग अभी चला रहे बोल रहे हैं कि भाई ये चुनाव है और ये जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मैं इसको एक ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछता हूँ कि भाई जो भाजपा से चुनाव खासदार चुन के आए हैं, इसमें एक नाम मुसलमान का खासदार का बता दो, एक को भी टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? कभी आपने इसके ऊपर गौर किया है? कोई भी खासदार मुसलमान खासदार चुन के नहीं आया है, किसी को टिकट नहीं दिया है, जो 375 जो चुन के आया है एक सबके सब मुसलमान है। अरे अपने को हमको कुछ स्वाभिमान है कि नहीं है, क्या हम भेड़ बकरियां है? कोई भी आके कोई जुमले कर कह दे और आपको हरा के लेके जाए? चुनाव में जो जो जुमले जो जो बातें बताई थी, जो आश्वासन दिए थे, अब वो क्या बोल रहे? वो तो चुनावी जुमले थे, हमने थोड़ी बोला, वो तो ऐसा ही चलते रहता है, चुनाव में तो बोलना ही पड़ता है कि अच्छे दिन आएंगे, हम तुमको 5-5 लाख तुम्हारे खाते में जमा करेंगे, 15 लाख जमा करेंगे। हाँ, 5 के बदले 15 आपको याद है? मैं जानबूझ के बोला कि 5 के आप सोए हुए कि जाग रहे हैं, तो बराबर है 15-15 लाख, 1500 भी नहीं आए, 500 भी नहीं आए, उल्टे आपके 500-1000 रुपए खाते खोलने में चले गए, और ऊपर से उसने और आपको एक डंडा मारा कि आपके खाते में 2000 रुपए होना जरूरी है, नहीं तो आपके खाते में से और जो जो जमा है उसमें से भी पैसे कट जाएंगे और आपका खाता भी बंद हो जाएगा। अच्छे दिन नोटबंदी, भाइयों और बहनों मित्रों, मुझे खाली 50 दिन दो, 50 दिन 50-51 दिन में तुम देख लेना कि ये जादू की छड़ी ये शाह नाम की मेरे पास है, मैं देखो क्या कर सकता हूँ। हमारे सब पूरे इंडिया के तमाम लोग टीवी के सामने 31 दिसंबर जैसा ये माहौल और ऐसा भाजपा फिर वह चलने पार्टी को 31 दिसंबर नहीं नहीं आज मोदी साहब तो और बड़ी घोषणा करते वाले हैं, जो 15 लाख का मामला है वो आज मेरे खाते में जमा होने वाला है। बेचारा रात भर टीवी देखते रहा, एक जानवर आ गया पूछ ले, अभी तो साल गुजर गया तो भी नहीं, नोटबंदी तो छोड़ो, एक नोट भी बाकी ऐसे पकड़े नहीं गए, उल्टा नीरव मोदी और वो चौकसी यहाँ के नोट लेके भाग गए। वो नहीं नीरव मोदी, कहाँ से आया ये नीरव मोदी छोटा मोदी? अरे ये 21 साल में घूमता था, इसको हीरे के व्यापारी जो है, जिसको मोदी को 10 लाख रुपए का छूट देने वाला ये नीरव मोदी है, यही नीरव मोदी के भाई बंधु ने वो छूट दिया था और इसने वो खरीदा है और वो पैसे इन्होंने इलेक्शन फंड में जमा किए। क्यों नहीं पकड़े गए बड़े बड़े व्यापारी? तुम तो बहुत नोटबंदी की बात कर रहे थे, अरे गरीब आदमी मर गया उसमें, किस गया इसकी रोजी रोटी चले गई, छोटे उद्योग धंधे वाले सूरत वाले बेहाल हो गए, कपड़े के जो बेचारे कोई कटर था कोई भी स्टैंपिंग वाला था ये उसका सब लंबे हो गए, गरीबों के धंधे बैठ के बेरोजगार हो गए। ये अच्छे दिनों की शुरुआत है, और जहाँ जहाँ बोलते कोई छोटा मोटा कोई मामला हुआ तो वो बिहार में उत्तर प्रदेश में बच्चे मारे गए, उनको जेल में डाले गए, जेएनयू का मामला यही उठाते हैं, कोई लेन देन नहीं। आज तक सारी दुनिया मानती है कि भाई ताजमहल एक भारत का बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ा वो एक स्थान है, इसलिए उसको पूरी दुनिया मानती है, और आपका एक ही सीएम बोल देता है नहीं वो तो एक लव स्टोरी का एक महल बनाया था और राजा ने, उसको कोई बात तो नहीं है। ऐसी बिल्डिंगे बनती है, ऐसी बिल्डिंगे बनती है तो कोई दुनिया पागल है कि उसको आज से देखने की आती है? ऐसी तो बहुत बड़ी बड़ी दुनिया बिल्डिंगे बनी है, फिर उसको क्यों नहीं देखने के लिए आते? उसको कोई ऐतिहासिक महत्व है दोस्तों करके ये लोग आते हैं हर बात में। अभी आप यदि क्यों चुनाव लड़ रहे, क्यों अपन हर एक पार्टी से तो पार्टी अपनी पार्टी क्यों चुनाव लड़ रही, तो विचारधारा का फर्क है, ये विचारधारा के लिए अपन लड़ रहे, कोई सीट और कोई पैसे जमा करने के लिए नहीं लड़ रहे,
जो पॉजिटिव में बोला था कि भाई विकास हमारा नारा है, हमारा सबका विकास और सबका विकास, सब तो हो गए विकास, उनका ही खाली हो गया है विकास। और अभी तो पट्टा विकास का नाम भी नहीं लेता है, वो बोले वो विकास नाम का बेटा वो तो पागल हो गया, उसको मैंने जनता में छोड़ दिया, अभी मेरी बेटिया है। तो बेटिया कौन से पूछे लोग बोले कि भाई अभी मेरी नई बेटिया कहाँ से आ गई, तो बोले सबसे बड़ी बेटी महंगाई है, वो आपको अभी मैंने दिया है। अभी दूसरी जो बेटी है वो बेरोजगारी है, वो भी अपने तरफ आपके आपको मैं बहाल कर रहा हूँ। तो ये दोनों तीनों बेटियां है, ये आप संभाल लो, महंगाई संभाल लो, बेरोजगारी संभाल लो। और तीसरी अभी नए से निकाली मैंने कि एक बैंक घोटाले और एक घोटाला बेटी जो है मेरी, ये भी आपको दे रहा हूँ। आज बैंकों की हालत सबसे खतरनाक है, बैंक में आज भी लाइनें लग रही है, पैसे तुम निकालने को जाएंगे तो पैसे नहीं निकल रहे, क्यों? बैंक की हालत खराब है। ऐसे कई लोगों ने इनके जो साथीदार है वो पैसे लेके भागे, रोज रोज देखो आप कोई ना कोई बैंकों का घोटाला आके वो चले जाता है। फिर इनका अर्थमंत्री और ये बाकी के ये क्या कर रहे हैं, क्या सो रहे हैं वहां पर? ये सब मिली जुली भगत है। और यहाँ के अभी मिनी मोदी वो तो भूल गया विकास, जिसने जन्म दिया ये विकास के नाम पर कि भाई मेरे गुजरात का विकास देखो, मेरा ये देखो। और गुजरात के लोग आज रोड पर दूध फेंक रहे हैं कि ये हमारा विकास है। क्यों फेंक रहे हैं? कि वहाँ भाव नहीं है। क्यों इंडस्ट्रीज बंद पड़ रही है? इसके कारण बंद पड़ रही है, वहाँ का रोजगार जो है वो बंद हो रहा है, अपने लोग वापस आ रहे हैं वहाँ जो रोजगार लोग गए थे। तो ये सब जो चुनावी जुमले थे वो भी खुद बोल रहे थे, ये चुनावी जुमले थे हमारे, हमने जो तुमको बोला वो सही बात नहीं थी। तो ये ऐसी जो ये बातें हैं, अभी भी यहाँ का जो विकास का मुद्दा चल रहा है कि भाई हमने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए, देखो हमने उर्दू स्कूल ऐसी 5 स्टार बनाए। अरे तुमने नहीं बनाए, ये जो इमारतें थी, ये जो जगह थी, ये जिला परिषद की थी। और वो टाइम में जिला परिषद में मैं भी सभासद था, संजू दादा के वो मिसेज हमारे लड़के वो भी सभासद थी। यही लोग हमारे पास आए कि भाई अपने गांव के विकास का मामला है, आप इसको मंजूरी दे दो, ये प्रॉपर्टी नगर पालिका को हस्तांतरित कर दो। झेलपी जो है ये पूरे जिले की है, इसका रेवेन्यू है ये पूरे जिले को जाएगा, फिर भोजपुर को जाएगा, इरंडल को जाएगा, चालीसगांव को जाएगा। प्रॉपर्टी जामनेर की है, जामनेर के लोगों ने जमा की है, तो ये प्रॉपर्टी इसका विकास इसका रेवेन्यू ये जामनेर को ही मिलना चाहिए। और ये बात को हमने भी गौर किया और ये बात पर हमने अमल किया। और वो बात को हमने जिस दिन ये टेंडर और ये चर्चा आई कि किस कारण किस चर्च पर ये जो झेलपी की जगह है ये नगर पालिका को हैंड ओवर करना है, कि इसी चर्च पर हमने किया था कि जो विकास होगा जहाँ जहाँ की जगह जाने वाली है वहाँ प्राथमिक स्कूल जो मराठी के है वो गिरा के वो जगह का विकास करके उसको उसके बदले में नई मराठी स्कूल बनेंगे, उर्दू स्कूल गिरेंगे, उसके बदले में वो कॉन्ट्रैक्टर को नई स्कूल बना के देना होगी, जो भी दवा करने गिरेगा उसके बदले में नया दवा खाना बना के देना पड़ेगा। और बाकी जो बचेंगे उससे पैसा जमा करके वो कॉन्ट्रैक्टर का और नगर पालिका का रेवेन्यू देना पड़ेगा। ये बातें क्लियर थी, कोई किसी ने आज उसमें कि भाई मैं बना रहा हूँ ये सब झूठ बातें हैं, क्योंकि उस बात का गवाह मैं जिला परिषद सदस्य था उस टाइम में। यदि इसको किसको चैलेंज करना है तो कोई भी उसके चैलेंज कर दे, मैं उनको रिकॉर्ड बता देता हूँ। मैं ऐसे झूठों वाली फेंकों वाली बात नहीं करता हूँ। अरे वो मोहम्मद कभी भी डर गया, वो बोले मेरे से भी तेज बोल अंदाज आ गया, मेरे से भी जोर से फेंकता है, मैं ग्राउंड में फेंकता हूँ, ये तो ग्राउंड के बाहर फेंक रहा है बोले मोदी, ये तो करके वो घर को बैठ गया। मोहम्मद शमी बॉलिंग करते करते बोले ये जोर से फेंकू है, इसके सामने तो मेरी बॉलिंग कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसे इतने बड़े देश का नेता, उसको पूछे कि भाई अभी क्या प्रोग्राम है, तो बोले यार पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, बस अभी एक ही ख्वाहिश है कि मंगल पर जाके आऊँ, तब तक 2019 आता है फिर देखा जाएगा, फिर लोगों को बोलेंगे कि मंगल पर क्या है, और हमको मंगल पर जाना है, हमको चांद पर जाना है। ये जुमले अभी नए नए फिर लोगों को दूंगा मैं। तो ये कोई इंडस्ट्री आई नहीं, कोई बाहर के लोग यहाँ आए नहीं, सब चुनावी और सब झूठे वादे, सब झूठे वादे है। उल्टा वो ट्रंप ने हर साल 60-70 हजार जो वहां पर इंजीनियर और बाकी लोग इंडिया से काम करते थे उनको वापस भेजना शुरू कर दिया है। ये इनकी नाकाम पॉलिसी है कि जहाँ से लोग तुम्हारे वापस आ रहे हैं और यहाँ वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको यहाँ भी रोजगार नहीं मिल रही, कोई नई इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री नहीं खुल रही है, कोई लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए लोग तरस रहे भटक रहे हैं। ये
ये जो बातें हैं ये अपने यहाँ की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बातें हर हर जगह पर ये चल रहा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये जो आज की जो लड़ाई है ये कोई कोई कुर्सी के लिए नहीं है कि भाई हम कुर्सी के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं है। ये लड़ाई चल रही है विचार की लड़ाई है। यदि आप लोगों को आज तक वो आपको बोल रहे थे कि कांग्रेस ने आपको चूतिया बनाया, आपको वहां पर लिया, आपको ऐसा किया, कोई किसी को कांग्रेस ने ये नहीं किया। कांग्रेस ने सबको हक दिया, सबको एजुकेशन की सहूलत दी, सबको एजुकेशन के बाद में नौकरी की सहूलत दी, सबको सबके साथ में लेके चले और विकास किया। स्कूलें बांधे, दवाखाने बांधे, रेलवे बांधे, ये सब चीजें आप उसको देखो कि ये 50-60 साल पहले थी क्या? जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले गए तो ये सब चीजें थी क्या? जब नहीं थी तो फिर एक रात में मोदी ने ला के दिया क्या? नहीं, तो ये 60 साल में सब विकास हुआ है और यही विकास का आगे अपने को और चलाना है। आप सही में जो कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस विचार कर रहा है कि भाई सबको लेके साथ में चलो, भाईचारे से चलो, कोई बेफजूल के मामले उठा के दोनों धर्म में, दोनों तीनों धर्म में कोई कड़वाहट निर्माण हो, कोई दिल में दुश्मनी पैदा हो, ऐसा मत करो। इनका हर नेता कोई ना कोई उठता है, कोई जुमला फेंक देता है तो पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में तनाव निर्माण हो जाता है। तो ये जो बात, तब ये मोदी और ये बाकी के क्यों नहीं उनको डराते कि ऐसा बोलना नहीं, ये गलत है, तुम क्यों बोल रहे, ये खासदार बात करता है, बाकी क्या तुम्हारा सीएम बात करता है। और ये लोगों अभी 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 की बात है कि सीएम और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के जितनी ये होते हुए भी उनकी सीटें हरा दी, तो यहाँ कौन सी बड़ी बात है? मैं आपसे यही ख्वाहिश रखता हूँ और गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि यहाँ सबकी सब सीटें जो है वो कांग्रेस राष्ट्रवादी की आनी चाहिए। आपने हर किसी को बोलना चाहिए कि भाई हमारी यही पार्टी को मतदान करो। रहा अध्यक्ष का सवाल, अध्यक्ष के लिए सबसे एजुकेटेड, सबसे पढ़ी लिखी जो अपनी भगिनी बहन है वो खड़ी है, अंजलि पवार, वो PhD है, डॉक्टरेट की है, और उसके सामने का कैंडिडेट जो मैट्रिक पास नहीं है। अभी फैसला आपके हाथ में है। जय हिंद।